Yes, you are. तो गाइस अभी हम पेट्रोल भराएंगे और वो दोनों कहाँ गए? दोनों आगे निकल गए लगता है, फटाफट से पेट्रोल भराते। भाई इतना व्लॉग निकल गया और इंट्रो ही नहीं करा, सॉरी। सो ऑलराइट, हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू आर इन योर लाइफ, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर बॉय हर्ष वीके। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं चारों, तो हम लोग आज सैटरडे था तो सोचा कि घूमने चलते हैं, क्योंकि संडे पानी का मौसम है, मैंने वेदर देखा था इसलिए। सो आज ही हम लोग जा रहे हैं और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ मैं आपको लेके जाऊँगा, बता नहीं रहा हूँ, बाकी सरप्राइज है। तो चलते हैं, बहुत अच्छी जगह है और रतलाम से 15 किलोमीटर समथिंग दूर है। सो देखते हैं अभी क्या माहौल है वहाँ का। सो चलो, thinking about the way you keep my world from spinning, I'm just thinking about your eye, just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. Guys, हम लोगों ने टोल टैक्स क्रॉस कर लिया है, ये सेला थाला टोल टैक्स है और अब हम लोग आगे जा रहे हैं। और ये जो मैप के जो दिख रहे हैं आपको पेड़, ये बहुत फोटोज खींचे हैं मैंने अपने प्रोफाइल में, देखे कि फेवरेट प्लेस होती थी हमारी एक टाइम पे जब सूखे रहते थे, बट अब तो ये पूरा ग्रीन हो गए। Where you at, where you been, tell me everything about you, go slow, so I can write it down and become the perfect man for you, what you like, what you don't, you should never be flying. तो गाइस पानी आने लग गया है तो हम ये ब्रिज के नीचे रुके हैं। नाउ उठे खाए जाए, वो दे दो चार कर लेंगे। हाँ, तो वो चढ़ाए ले तोड़ ले। हम लोग वहाँ रुके थे, पानी आ रहा था बट पानी बंद हुआ और हम लोगों ने भुट्टे खा के निकले, बट फिर रस्ते में आ गया तो अब तो गीला होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई जगह नहीं है जहाँ हम रुक सके, ना आए तो गीले तो होना ही है। ये व्यू देख रहे हो आप, तो गाइस हम लोग ये सैलाना आ चुके हैं, सैलाना का वो है, इधर से राइट लेंगे हम तो सैलाना आएगा, लेफ्ट लेंगे और सैलाना आएगा। पानी तेज हो गया यार, हमें नीचे ले जाने नहीं दे रहे हैं। ये लिए हमने टमाटो चिप्स जो कि इन्होंने लूट लिए हराम घरों ने सबने, और हम यहाँ से वॉक करते जा रहे हैं। मैं आपको ऊपर से बताता हूँ कैसा व्यू है, अभी हमको नीचे उतरना पड़ेगा, यहाँ रोड बन रहा है उतरने के लिए। इनको 4-5-6 साल बाद याद आ रहा है कि रोड की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग पहले आते थे तो बहुत प्रॉब्लम होती थी चढ़ने उतरने में। और अभी हम पहुंच चुके हैं और ये है फाइनल व्यू जो आप देख रहे हो, इतनी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचे हम लोग। और हमें चढ़ना वहाँ से था, मतलब उतरना भी वहाँ से था, बट हम लोग घूम के आए हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा फिसलने वाली जगह है इसलिए। सो अगर देखते हैं, अगर जाना होगा तो वहाँ से चढ़ेंगे, क्योंकि आई थिंक इन्होंने बनाया होगा, क्योंकि ये रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो शायद उधर से उन्होंने सही करी होगी चीज़ें। तो ये है और अब हम लोग नीचे आ रहे हैं, ये सेकेंड वाला वो है और ये है फर्स्ट, ये मेन, काफ़ी अच्छी जगह आ रही है, आप लोग आना अगर आए।
बीवी बोल रही थी कि चलते हैं। हम लोग सब गीले हो चुके हैं बट कोई ना, सावन भी चल रहा है और भोलेनाथ जी का दर्शन भी करना है, सो इसलिए हम लोगों ने ये प्लान करा था। व्यास अगर तू इसके अंदर डुबकी लगा के वापस आएगा देखो 100 रुपये इनाम। क्या इसमें डुबकी लगा के वापस आएगा 100 रुपये इनाम। अगले भाई तू लंबा है, तू लंबा है, तू तो तेरे तेरे घुटने तक ही पानी आ गया। तो दर्शन करेंगे उसके बाद होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चट्टान के अंदर हैं और सब व्यू। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं तो नीचे चलते हैं। मम्मा अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो सॉरी, क्योंकि आपने मना करा था इसी जगह जाने के लिए, पर फिर भी मैं जा रहा हूँ। बट सेफ है इधर, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम लोग दोस्त लोग हैं तो कर लेंगे एक बार। महाकाल क्या कोई नहीं चढ़ा रहे अभी, चढ़ने में प्रॉब्लम होता तो गिर गुरा जाएंगे। और अरे नहीं गिरेगा क्या? एक बार शायद हम लोगों ने खिंचाए थे फोटो, देखो याद हो तो। इस पहाड़ इस पे थे या कोई और पत्थर पे था? सेंटर में खड़े हो गए, दूसरी जगह थी ना उधर ही था। सो तो पता नहीं किसकी बात है, हम लोग वहाँ थे और वहाँ से हम लोग ऐसे गोल घूम के यहाँ आए, नीचे उतरते हैं। झरना काफी अच्छा है, चलते चलते ही डूब जाओगे। अरे अंदर तो गाइस यहाँ प्रोग्राम चल रहा है नहाने का, हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। तो ये सेकंड, तो मेरे प्यारे प्यारे जूते जो कि अब पानी में तैरेंगे। हाँ हाँ वो तो अच्छा हुआ। क्या कर रहे हैं मेड के? तो गाइज आप ये जो झरना देख रहे हो ये नीचे से दिखा रहा था, अभी हम लोगों ने ट्रैकिंग करके यहाँ से ऐसे ऐसे चढ़ते चढ़ते ऊपर आए और ये पूरा घूम के हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और वो तीनों वहाँ तक पहुँच गए। और ये जो पानी है ये पूरा नीचे जाता है जो कि झरने में दिखता है, बाकी इतना ऊपर से है नहीं पानी, बाकी नीचे बहुत ज़्यादा दिखता है। तो अभी फिर चढ़ना है मेरे को ऊपर, कुछ जैसा दिख रहा है। और हम लोग उस वाले स्टोन पे खड़े थे और अब यहाँ से हम यहाँ पर हैं। तो ये पूरा हॉल ऑफ व्यू है। वैसे इधर आने देते नहीं हैं पुलिस वाले, बट अभी पानी कम है तो हम लोग आ गए। बाकी अगर आप लोग आओगे तो वो आप उधर से घूम के चले जाओगे। सो दिस इज अ व्यू गाइस। हाँ अब हम लोग चारों निकल चुके हैं और ये अब कंप्लीट कवर कर दिया है मैंने। सो ये नीचे का व्यू है, हम ऊपर हैं। सो गाइस ये था हमारा केदारनाथ, नहीं केदारेश्वर। तो गाइस ये था हमारा केदारेश्वर जो रतलाम से करीब हम 22 किलोमीटर दूर है, 22-23 किलोमीटर दूर है। और ये छोटा केदारनाथ, हाँ सॉरी केदारेश्वर बोलते हैं। जाना पड़ेगा यार केदारनाथ, बहुत आ रहा है अब।
सो गाइज हम लोग वापस ऊपर आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं ये वाले रूट से जो मैंने आपको बताया था ऊपर जाने का। सो इस पर चढ़ते हैं, वो लोग ऊपर चले गए हैं। मेरे को चढ़ना है, इतना नीचे से बहुत चढ़ चढ़ के आ रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ शू ने साथ दे दिया, ये इतना चढ़ पाया मैं। सो गाइस हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं, देख रहे हो गाइस। पहले आज लेग लगा के आया था जिम में और डबल मेहनत हो गई, ट्रैकिंग भी हो गई। चलते हैं, हम कुछ खाते हैं, कुछ अच्छा सा पीते हैं और फिर घर चलेंगे। तो गाइस तो हम आ चुके हैं हमारी गाड़ी तक, बहुत ज़्यादा लंबा था ये तो, चाबी भी नहीं खुल रही। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर के साइड, हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, मस्ती भी कर ली, मज़े भी कर लिए। तो रतलाम आ चुके हैं सेंटर में, 25 किलोमीटर समथिंग का रास्ता था और हम लोगों ने क्रॉस कर लिया, बीच में बना नहीं पाया क्योंकि बारिश भी आ रही थी एंड और भी ऊपर एरिया हमारे जिम। और हम आ गए शहीद चौक मेन सेंटर पे और गीले हो गए थे तो हमने सोचा कि क्या ना भजिए खाई जाए, गर्म गर्म भजिए खाएंगे। बारिश बारिश में गीले होने के बाद हम खाएंगे भजिए। भजिए के बाद थोड़ी देर चाय हो जाए, चाय और ये दोस्त अच्छी थी तेरे दुकान से तो काफ़ी अच्छी। टंकी फुल हो चुकी है और अब चलते हैं घर, घर वाले के फोन आ चुके हैं। और ऑलराइट गाइस तो मैं घर आ चुका हूँ और आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने बहुत मस्ती करी, खाया पिया, सब ऐसे मज़े करे। सो ये व्लॉग भी मैं यहीं एंड कर रहा हूँ और अगर ये व्लॉग पसंद आया आपको तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग।